So hello everyone, hope you all are doing well and keeping yourself healthy. So now that CAT results are out, बहुत सारे colleges के calls भी out हो चुके हैं, ZAT exam भी हो चुका है and आप सबको अभी तक अपना score पता चल चुका होगा और मैंने अपनी पिछले video में भी बताई है कि जितना percentile है उसके basis पे आप किन किन colleges को target कर सकते हो. इस video में हम देखेंगे कि क्या क्या strategies आपकी GDPI के लिए होने चाहिए so that आप अपना interview clear कर लो. क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, किस तरीके से आपको ओवरऑल तैयारी करनी है, क्योंकि जब आपका फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर निकलेगा जीडी में कैसा परफॉर्मेंस रहा था, आपका पीआई में कैसा रहा था, हर एक चीज इंक्लूडेड होगी. किस तरीके से आपको अपनी पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी करनी है एंड जीडी की तैयारी करनी है. सबसे पहले हम बात करेंगे कि पर्सनल इंटरव्यू में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है. बहुत तरीके के इंटरव्यू होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के होते हैं. जब आप इंटरव्यू के मॉक इंटरव्यू दोगे तब आपको पता चलेगा कोई आपका स्ट्रेस इंटरव्यू होता है, कोई आपका बहुत कैजुअल इंटरव्यू होता है. बेसिकली इंटरव्यू के थ्रू इंटरव्यूअर ये जानना चाहते हैं कि ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी क्या है, किस तरह के सिचुएशन में आप क्या क्या सोचते हो. तो किस तरीके से इसको आपको एस करना है, इसके लिए मैं आपको 9 पॉइंटर्स बताऊंगी एंड ऑल्सो जो भी फेमस इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, आई एम इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, इसका पूरा मैंने एक क्वेश्चन लिस्ट तैयार कर रख के रखा है. आप चाहो तो उसको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के डाउनलोड भी कर सकते हो एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. मैं आप सबको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ, ये एक सीक्रेट टिप है जिसको आप लिख लो. जब भी आप अपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर दोगे, ट्राई टू यूज द स्टार अप्रोच. सिचुएशन क्या थी, आपने उसमें टास्क क्या किया था, मैं आपने एक्शन क्या लिया एंड उसका ओवरऑल रिजल्ट क्या आया. अगर आप इस तरीके से अपना पूरा आंसर फ्रेम कर लेते हो सारे क्वेश्चंस का, ट्रस्ट मी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी एंड इस फ्रेमवर्क के थ्रू जो आंसर है आप उसको बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर सकते हो. नंबर वन थिंग, बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग योर एसओपी. आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में जो भी चीजें लिखी होंगी जब आपने उस कॉलेज का फॉर्म फिल किया होगा, आपको बहुत ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है. उनका आंसर्स बहुत ही थॉरली और अच्छे से यू नो प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि जब इंटरव्यूअर आते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछते हैं उनके सामने आपकी एसओपी खुली हुई होती है एंड उससे से वो कई बार ऐसा होता है कि एक दो पॉइंटर्स उठा करके आपसे क्वेश्चन पूछ ले. तो जो भी फॉर्म आप फिल करोगे आप अलग से एक फोल्डर बना लो और कॉलेजेस के नाम उसमें डाल लो कि किस कॉलेज में आपने क्या क्या एसओपीज फिल की है, ताकि उसके इंटरव्यू से पहले आप उसको एक बार थॉरली रिवाइज कर सको. सेकंड थिंग इज ब्रश अप योर एकेडमिक्स. अगर आपका 3 साल का कोर्स है या 4 साल का कोर्स है, आपको पता होना चाहिए कि हर सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे एंड उनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स या 3 सब्जेक्ट्स को यू नो थोड़ा सा बेसिक पढ़ के जाओ. क्योंकि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हो चुका है, जब मैं आई एम शिलोंग के इंटरव्यू में बैठी थी उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपके 3rd सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, आप मुझे उनके नाम बताएं एंड उनमें से किसी एक सब्जेक्ट से उन्होंने मुझसे सिंपली फॉर्मूला पूछ लिया था स्ट्रेस एंड बेंडिंग मोमेंट का. इसीलिए आप अपने सारे सब्जेक्ट्स के एटलीस्ट नाम याद करके जाना एंड जो जिस भी फील्ड से आप हो उसका आपको बेसिक पता होना चाहिए. थिंग इज कीप योरसेल्फ अपडेटेड. जो भी चीजें आपके आसपास हो रही है आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, हर एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ो. जो भी चीजें हो रही है उसके बारे में आपको थोरो आइडिया होना चाहिए. मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था IIT खड़गपुर के इंटरव्यू में भी, IIM कोझिकोड के इंटरव्यू में भी, उन्होंने मुझसे पूछ लिया था. उस टाइम पे एवरग्रीन की शिप थी जो कि अटक गई थी कैनाल में, स्वेज कैनाल में, उससे रिलेटेड उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे एंड क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि शिप की लेंथ कितनी थी, डायमीटर कितनी थी, क्यों अटकी वहीं पे क्यों अटकी और कितने दिन से अटकी हुई है, उसकी वजह से बिजनेस में कितना लॉस हुआ, ये सारे क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे थे. तो अगर आप ऐसा कोई भी मेजर यू नो इवेंट जो हो रहा है वर्ल्ड में, अगर आप उसको पढ़ते हो एंड फिगर्स भी याद करके जाओ क्योंकि वो भी पूछे जाते हैं. तो ऑल अबाउट योर नेटिव प्लेस. तो जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो उसमें इंट्रोडक्शन में आप ये तो जरूर बताते हो कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो. तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे साथ जो IIM के इंटरव्यू में हुआ था, जब मैं कैप इंटरव्यू कॉल में बैठी थी, उन्होंने मुझसे पूछा था कि रांची किस चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है. तो रांची इज फेमस फॉर वाटरफॉल्स. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मुझे 5 वाटरफॉल्स के नाम बताएं. तो आप जिस भी नेटिव प्लेस से बिलोंग करते हो उसकी हिस्ट्री क्या है आप थोड़ा सा वो भी पढ़ लो, वो प्लेस किस चीज के लिए जाना जाता है आप वो भी पढ़ के जाना. मोस्ट ऑफ द टाइम इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड अगर आप थोड़ा सा अपने यू नो इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर लोगे तो ये एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन देता है. जैसे कि मैं बोलती थी, हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशिका सिंह, आई एम फ्रॉम रांची झारखंड व्हिच इज आल्सो नोन एज सिटी ऑफ वाटरफॉल्स. इस तरीके से आप उन चीजों को अपने यू नो इंटरव्यू में इंक्लूड भी कर सकते हो. फिफ्थ थिंग इज
know all about your work experience. आपका जो भी काम है उसके बारे में आप बिल्कुल थोरो रिसर्च करके जाना. आपके पास भी वर्क एक्स है, मोस्टली क्वेश्चंस उनसे वर्क एक्स के बारे में ही पूछे जाएंगे. मेरे जितने भी इंटरव्यूज थे, 90% ऑफ इंटरव्यूज मेरा रिवॉल्व होता था मेरे वर्क एक्स के अराउंड, कि मैंने क्या काम किया है, मेरी अचीवमेंट्स क्या कह रहे हैं, आपके काम में कोई अचीवमेंट रहा है तो वो बताओ, नंबर मेंशन किया है तो वो नंबर तक कैसे आप पहुंचे, वो भी थोरोली रिवाइज करके जाना. सिक्स थिंग इज नो योरसेल्फ. आपको आपकी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, वीकनेस पता होनी चाहिए. इस पे बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, आप चैट जीपीटी यूज करके भी ढूंढ सकते हो. एंड आपकी कम से कम अपनी 3 स्ट्रेंथ और 2 वीकनेस बना करके रखो, और वीकनेस किस तरीके से बनाना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें आप फाइंड आउट बहुत ईजिली कर सकते हो. 7 थिंग इज अवेयरनेस अबाउट योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट एरियाज. लेट्स एग्जाम्पल, अगर आपने बोल दिया कि आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो वो कभी कभी आपसे मैथमेटिकल फॉर्मूला भी दे सकते हैं कि अगर वो इतनी स्पीड से जा रहा है तो इतनी स्पीड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, बॉल का डायमीटर क्या होता है, कौन से मटेरियल से बनाया जाता है. नो इट प्रॉपरली. मैंने बोल दिया था मुझे पेंटिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, उन्होंने मुझसे पूछा था कितने तरह के पेंटिंग होते हैं, उसमें से आपने कौन सी पेंटिंग करी है, इंडिया के टॉप 2 पेंटर्स का नाम बताओ, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. 8 थिंग इज ब्रश अप योर जीके. जनरल नॉलेज में आपके स्टैटिक जीके होती है एंड डायनामिक जीके होती है. स्टैटिक जीके होती है जो कि ओवरऑल कंसिस्टेंट रहती है, उसको भी आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना पड़ेगा. एंड डायनामिक जो आपके आए दिन जो भी चीज़ है आपके आसपास हो रही है उसके बारे में होता है. उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं जो यूज़ करती थी, एक कोई भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे आए दिन वो बताते रहते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई है. अगर आपके पास टाइम कम है, रीडिंग में आप टाइम नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, एटलीस्ट सुन लो. आपको सारे स्टेट्स का कैपिटल पता होना चाहिए एंड हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन से है वो भी पता होना चाहिए. मेरे IIM रोहतक के इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे पूछा था अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है एंड वहाँ के CM कौन से है. बिल्कुल आप रट लो, ये क्वेश्चन कभी ना कभी किसी ना किसी इंटरव्यू में आपसे जरूर पूछा जाएगा. 9 थिंग इज रिमेन पॉजिटिव. बहुत तरह के इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपका स्ट्रेस वाला इंटरव्यू है वहाँ पे भी आपको पॉजिटिव रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कोई भी इंटरव्यूअर आपका पर्सनली, उनको आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस ये देखना चाहते हैं कि आप अंडर प्रेशर सिचुएशन में कैसा बिहेव करते हो, या फिर अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा हैप्पी हो. कई कई इंटरव्यू में वो आपसे बहुत ज्यादा खुल के बात करते हैं, वो आपका ट्रू सेल्फ जानना चाहते हैं. नाउ द सेकंड थिंग इज GT, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है. सो गाइस, ग्रुप डिस्कशन में 7-8 लोग होते हैं, कई बार 10-11 लोग होते हैं. आपको कुछ टॉपिक दे दिया जाता है एंड उस टॉपिक पे आपको डिस्कशन करना होता है. इस GT में आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट होता है, बीच में आपके जो भी आपके पॉइंट्स हैं आप वो बोलोगे एंड एंड में उसका एक कंक्लूजन निकलता है. इसके लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है. नंबर 1, बी अ गुड लिसनर. अगर कोई बोल रहा है तो आप उसको काटो नहीं, ये एक बहुत ही गंदा इंप्रेशन देता है. आई नो आपको बहुत सारे आइडियाज होंगे, नॉलेज होंगे, बट बी अ गुड लिसनर एंड जैसे ही उनका टॉपिक कंप्लीट होने वाला हो, पुट योर पॉइंट अक्रॉस. सेकंड थिंग इज, कोई भी टॉपिक के आप अगेंस्ट हो या फिर उसकी तरफ हो, अगर आपने स्टार्टिंग में उसके तरफ अपना पॉइंट रखा है तो उसके तरफ ही रखना, आप उसको फ्रीक्वेंटली चेंज मत करना. अगर आप अगेंस्ट हो तो आप अगेंस्ट ही रहना, उसको फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करना. नंबर 3 इज गेट योर सेल्फ अवेयर विद द इवेंट. जैसा कि आपको पर्सनल इंटरव्यू में भी करना है, जो भी GK है उसकी नॉलेज रखो. एंड सबसे अच्छा इंप्रेशन जाता है कि अगर किसी भी टॉपिक में आपने कुछ नंबर्स बता दिए कि इतने नंबर से कोई चीज इंक्रीज हो गई या इतना का रेवेन्यू हुआ है, इतना का डेप्थ है, अगर आप नंबर्स थ्रो करते हो, ट्रस्ट में बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जाता है. लर्न टू कम्युनिकेट विथ योर बॉडी लैंग्वेज. आपका बॉडी लैंग्वेज GD में बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो हमेशा गुड जेस्चर देना है, हमेशा आपको हैंड जेस्चर्स देने हैं. यू हैव टू पुट अ स्माइल ऑन योर फेस. आपका बॉडी लैंग्वेज भी नोटिस किया जाता है एंड इसके भी मार्क्स मिलते हैं. यू शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल. जब भी आप बोल रहे हो, आपके पास बहुत कम टाइम है, आप कहीं पे भी अटके दूसरा कोई भी बंदा आएगा एंड आपका पॉइंट पिकअप कर लेगा या फिर अपना पॉइंट बोलने लगेगा, तो आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखनी है. कम्युनिकेशन स्किल कैसे स्ट्रांग करनी है, इसके लिए आप मिरर के सामने खड़े होकर के डेली कुछ ना कुछ बोलने की प्रैक्टिस करो. कोई भी न्यूज आपने सुना हो, कोई भी चीज आपने करी हो और उसको बोलने की कोशिश करो. प्रिपेयर फॉर टॉपिक्स दैट आर रिपीटेड. कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हर बार रिपीटेड होते हैं, आपको उन टॉपिक्स को ढूंढना है. क्या क्या वो टॉपिक्स है इसकी भी प्रॉपर लिस्ट बना करके मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है. आपकी 4 तरह की GD होती है. फर्स्ट, बिजनेस एंड इकोनॉमी पे. सेकंड, करंट अफेयर्स पे. थर्ड, सोशल इश्यूज पे. एंड फोर्थ, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स पे. जितने भी कैटेगरी के GK हैं, इनमें क्या क्या मोस्टली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो जो है, प्रॉपर मैंने लिस्ट बना दिया है, आप बस इसको जाकर के चेकआउट करो. जितने भी लिंक्स हैं मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. सो गाइज,
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आपकी जो भी डाउट्स है या फिर कुछ भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, होप यू हैव लाइक द वीडियो, एंड इफ यू हैव लाइक द वीडियो देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन बिलो। सो गाइस टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रॉकिंग इट, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड एंड ऑल द बेस्ट गाइस, बाय।